मैं मासा के ठाकुर लेकर आया हूँ एक बहुत ही बड़ी खबर जो कि है राजस्थान पुलिस के सब इंस्पेक्टर को लेकर। तो आइए आपको उस बड़ी खबर के बारे में बताते हैं। उससे पहले यार दिल से दरखास्त है कि इस बड़ी खबर को अपने व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक हर जगह पे वीडियो को फैला दो, शेयर कर दो ताकि लोग इस बड़ी खबर के बारे में जान तो सकें। और चैनल को इसी वक्त करते चलो सब्सक्राइब बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए। अब बात करते हैं बड़ी अपडेट के बारे में, जहां पर आज एक ऐसा वीडियो हो रहा है वायरल जिसके बाद से राजस्थान पुलिस के ऊपर उठने लगे हैं सवाल। अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। ये वीडियो है राजस्थान पुलिस के सब इंस्पेक्टर का और बड़ी बात ये है ये शादी यानी कि प्री वेडिंग वीडियो है। और वहीं दूसरी ओर इस वीडियो में दिखाया गया ये जो आप इनकी लेडीज देख रहे हैं इन्हीं के साथ इनकी होने वाली है शादी, यानी कि ये जो सब इंस्पेक्टर साहब हैं इन्हीं के साथ इनकी होगी शादी। और ये प्री वेडिंग वीडियो है, इस वीडियो में दिखाया गया है कि इनकी जो वाइफ है वो आती है स्कूटी से। बड़ी बात ये इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है। जब इनके सब इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि अपना डीएल दिखाइए तो वो कहती है मेरे पास डीएल नहीं है। और जैसे कहती है वो डीएल नहीं है तो होता है उन्होंने चालान काटना शुरू किया, लेकिन तभी वो चालान काटने के बजाय जब वो कुछ रुपए देती हैं कुछ पैसे देती हैं इनकी जेब में डाल देती हैं आगे वाली जेब में, और वो रिश्वत एक तरह से एक टाइप का रिश्वत ही देती हैं वो मामला दबाने के लिए और आगे वाली जेब में वो पैसा डाल देती हैं। और बड़ी बात यह है कि सब इंस्पेक्टर टाप वो पैसा ले भी लेते हैं। जी हाँ, सब इंस्पेक्टर टाप वो पैसा ले भी लेते हैं। और यहीं पे उठता है सवाल, क्या राजस्थान पुलिस है करप्ट और नॉट? क्योंकि इनकी जो वाइफ है वो मामला दबाने के लिए पैसा देती हैं ताकि वो चालान ना काटे और पैसा वो ले लेते हैं। और लेने के बाद जब उनकी वाइफ चली जाती हैं तो लेने के बाद वो पैसा निकालते हैं और गिनते भी हैं। जी हाँ, तो ये मामला सामने आ रहा है कि इनके ऊपर सवाल भी उठ रहे हैं जो सब इंस्पेक्टर साहब हैं कि क्या राजस्थान पुलिस ऐसी ही है। इस वीडियो को यार फैला दो, हर जगह फैला दो, हर जगह शेयर कर दो, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक हर जगह पर फैला दो, शेयर।